भारत देश में राजपूतानों का गौरवान्वित इतिहास रहा है। देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ के वीर योद्धाओं ने अपने स्वाभिमान, धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी संकोच नहीं किया। ऐसे वीरों की पावन भूमि पर जन्म हुआ मेवाड़ के महान महाराणा प्रताप सिंह का, जिन्हें सभी अपने प्यारे कीका के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के घर हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला भी सीखते थे। साथ ही महाराणा प्रताप को युद्ध कला का प्रशिक्षण अपनी माँ से भी प्राप्त हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे। उस सदी के वे अकेले ऐसे शासक रहे जो मुगल सम्राट अकबर के आगे निडरता से खड़े हो गए थे। अपने राज्य में उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, जिसके चलते उनका नाम भारतवर्ष के इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के नाम से हमेशा अमर हो गया। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। इस युद्ध में 500 भील लोगों को साथ लेकर राणा प्रताप ने आमेर के सरदार राजा मानसिंह के 80,000 मुगली सेना का सामना किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुगली सेना ने घेर लिया था और उन्हें काफ़ी जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें इस युद्ध को बीच में छोड़कर जाना पड़ा था और इस दौरान उनके प्रिय घोड़े चेतक ने भी अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को श्रद्धांजलि अर्पित कर अगले दिन काफ़ी जोश के साथ इस युद्ध में भाग लिया और अकबर के चहिते सेनानायक बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 भागों में काट कर रख दिया था। जब यह खबर अकबर ने सुनी तो अकबर के मन में प्रताप को लेकर खौफ पैदा हो गया था। तो वहीं महाराणा प्रताप ने यह हल्दीघाटी का युद्ध जीतकर अकबर की सेना को हरा दिया था। स्पेशल डेस्क से भावना मिश्रा की एक खास रिपोर्ट।